सो हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ यानी कि कुछ 10 फ़ोन जो गेमिंग फ़ोन है और वो आपको 10,000 तक के या फिर 10,000 11,000 तक तो आपको ये मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो कैसे होने वाले। देखो, आपको तो पता है कि गेमिंग फ़ोन में आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि एक बहुत बढ़िया सा प्रोसेसर और कुछ रैम, यानी कि 3 से 4 GB तक की रैम, और स्क्रीन थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए, यानी कि डिस्प्ले थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए, और स्टोरेज भी थोड़ा थोड़ा सा रहना चाहिए ज़्यादा, और बैटरी थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसमें सब बताऊंगा, लेकिन थोड़े कैमरा जैसे फीचर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा इसमें। सिर्फ आप मैं आपको प्रोसेसर, रैम, फिर डिस्प्ले, फिर स्टोरेज और फिर बैटरी इतनी ही बताऊँगा, क्योंकि ये सब गेमिंग फ़ोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी प्राइस भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आपको इन सारे फ़ोनों की इन्फॉर्मेशन मिल सके और ताकि आप वो फ़ोन ले भी सकें। तो ठीक है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फ़ोन का नाम है ओप्पो A12। जी हाँ दोस्तों, ये एक गेमिंग फ़ोन है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है हीलियो P35 का प्रोसेसर और 3 GB और 4 GB जैसे दो रैम वेरिएंट आपको मिल जाते हैं इस फ़ोन में, और 6.22 इंचेस की बहुत बढ़िया सी डिस्प्ले मिल जाती है, और 32 और 64 इंच स्टोरेज वेरिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं, और 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको इस फ़ोन के साथ। ये सब फीचर्स तो गेमिंग फ़ोन में होने ही चाहिए, और ये सब आपको मिल जाते हैं 9,990 rupees में। देखो गाइस, इतने बढ़िया फीचर्स आपको सिर्फ इतने प्राइस में मिल रहे हैं, तो जाके ले लेना यार, बहुत बढ़िया फ़ोन है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। आपका कैसा लगा डू कमेंट डाउन। ठीक है, तो हमारा अगला फ़ोन है रेडमी नोट 7 या फिर 7S। ये भी एक गेमिंग फ़ोन है, क्योंकि आपको इसमें मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, 3 GB और 4 GB से दो रैम वेरिएंट मिल जाते हैं आपको इस फ़ोन के साथ, और 6.3 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, और 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 64 GB इंटरनल स्टोरेज जैसे दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, और 4000 mAh की बहुत बड़ी सी बैटरी मिल जाती है आपको इस फ़ोन के साथ। तो ये सब फीचर्स तो आपको गेमिंग फ़ोन में मिल जाएंगे, और इसकी प्राइस है यार, मैं भूल गया प्राइस यहाँ पर लिखना था, पहले लिखने को भूल गया, अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर प्राइस। इसकी प्राइस है करीबन 8,999 rupees है इसकी प्राइस। ये भी आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, तो जाके ले लेना यार, बहुत बढ़िया फ़ोन है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा ये फ़ोन। आपको कैसा लगा डू कमेंट डाउन। ठीक है, तो हमारा अगला फ़ोन है Realme 5i। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक गेमिंग फ़ोन है, या तो सारे गेमिंग फ़ोन में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर, और 4 GB और 3 GB से दो रैम वेरिएंट्स मिल जाते हैं आपको इस फ़ोन में, और 6.52 इंचेस की एक बहुत बढ़िया सी डिस्प्ले मिल जाती है, और 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 64 GB इंटरनल स्टोरेज जैसे दो स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं, और 5000 mAh की बहुत बड़ी सी बैटरी भी मिल जाती है आपको इस फ़ोन के साथ, और ये सब आपको मिल जाता है सिर्फ 10,999 में। तो ये 10,000 में आता है, इसीलिए मैंने ये फ़ोन चूज़ किया है, ऐसा मैं सोचना कि 11,000 है तो क्यों डाला, ये 10,000 में आता है इसलिए मैं डाल दिया है। ठीक है, और हमारा अगला फ़ोन है Acer Zenfone Max Pro M2। जी हाँ, ये भी गेमिंग फ़ोन है, क्योंकि आपको इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, 3 GB और 4 GB जैसे दो रैम वेरिएंट, और 6.2 इंचेस की काफ़ी बढ़िया सी डिस्प्ले, और 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 64 GB इंटरनल स्टोरेज जैसे दो स्टोरेज वेरिएंट, और 5000 mAh की बहुत बढ़िया सी बैटरी, और बहुत बड़ी भी बैटरी है 5000 mAh, और ये सब आपको मिल जाता है सिर्फ 9,999 rupees में। काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, तो जाके ले लेना यार ये फ़ोन, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। आपको कौन सा लगा, कौन सा बढ़िया लगा इन सब में से, डू कमेंट डाउन। ठीक है, और हमारा अगला फ़ोन है Vivo U10। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक गेमिंग फ़ोन है, क्योंकि आपको इसमें स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिल जाता है, 3 GB रैम और 4 GB रैम जैसे दो वेरिएंट मिल जाते हैं, और 6.35 इंचेस की काफ़ी बढ़िया सी डिस्प्ले, और 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 64 GB इंटरनल स्टोरेज जैसी स्टोरेज मिल जाती है आपको, और 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है आपको इस फ़ोन के साथ में। देखो, बैटरी भी काफ़ी बढ़िया है इस फ़ोन की, और ये सब आपको मिल जाता है 8,990 rupees में। काफ़ी बढ़िया फ़ोन है गाइस, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है ये फ़ोन। और हमारा अगला फ़ोन है Realme 5। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिल जाता है, 3 GB रैम और 4 GB रैम जैसे दो वेरियंट मिल जाते हैं,
6.35 इंचेस की काफ़ी बढ़िया सी डिस्प्ले मिल जाती है, और 32 GB जैसे एक ही स्टोरेज वेरियंट आपको मिल जाता है इस फ़ोन के साथ, और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और ये सब कुछ आपको मिल जाता है सिर्फ 9999 रुपीज़ में, यानी टोटल 10,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो ले लेना, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। ठीक है, तो हमारा अगला फ़ोन है वीवो Y93। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक गेमिंग फ़ोन है, क्योंकि आपको इसमें मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो P22 का प्रोसेसर, 3 GB रैम और 6.22 इंचेस की काफ़ी बढ़िया सी डिस्प्ले, और 64 GB का काफ़ी एक स्टोरेज, एक ही वेरियंट दिया है, बहुत बढ़िया है, और 4030 mAh की बैटरी, और ये सब कुछ आपको मिल जाता है 10,990 रुपीज़ में। ठीक है, और हमारा अगला फ़ोन है LG W10। जी हाँ, ये भी एक गेमिंग फ़ोन है, इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो P22 का प्रोसेसर, 3 GB रैम, 6.19 इंचेस की डिस्प्ले, 32 GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट, और 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको इस फ़ोन के साथ, और ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल 10,999 रुपीज़ में। काफ़ी बढ़िया है यार। और हमारा अगला फ़ोन है इस Zenfone 5 Max Pro M1। नाम तो काफ़ी बढ़िया है, इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर, 3 GB रैम, 4 GB रैम और 6 GB रैम का एक बहुत बढ़िया से तीन वेरिएंट आपको मिल जाते हैं रैम में, और 5.9 इंचेस की एक बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है, और 32 GB और 64 GB का एक रैम वेरिएंट मिल जाते हैं, एक नहीं दो रैम वेरिएंट मिल जाते हैं, और 5000 mAh की बैटरी, बहुत बढ़िया सी, और ये सब कुछ आपको मिल जाता है 8,999 रुपीज़। ठीक है, ले लेना अगर आपको पसंद आया तो। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 10 फ़ोन बताए जो गेमिंग फ़ोन है, आपको 10,000 में मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी यार, बताओ हाँ कमेंट्स में पसंद आई है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो, चैनल पसंद है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।